तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था, एक इसमें हर 10 साल पर होता था, तो वो नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सही, सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी 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 पंचायत 6 पंचायतों का और 7 नगर निकाय का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। आज जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया ना महिलाओं के लिए, ये कही था। और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया, पुलिस में भी किया 35%, और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है, तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो हम किया स्वयं सहायता समूह में, इतनी बड़ी संख्या, तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। तो शुरू से कह रहे हैं हम, तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए, सब बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को, काहे नहीं महिलाओं को होगा। हम तो आप जरिए याद करिएगा ना, अगर पुराना सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा, बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है कि सब पार्लियामेंट में और असेंबली में सब जगह महिलाओं को भी पक्का आरक्षण मिलना चाहिए।